किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आप जब भी किसी भी फसल की खेती करने का तरीका कहीं से सर्च करते हैं या किसी एग्रोनॉमिस्ट के माध्यम से आप सुनते हैं या किसी यूट्यूब पर देखते हैं वीडियो पर कि इस फसल की हम खेती कैसे करें, तो हर फसल की खेती के जो तरीका होता है उसमें एक चीज़ आपको जरूर मिलेगी जो कॉमन होती है, जो मैंडेटरी होती है कि आप इस फसल की बुवाई के समय यानी कि अंतिम जुताई के समय, फसल की जब भी हम भूमि की तैयारी कर रहे हैं, तो इतने टन गोबर की खाद या इतने ट्रॉली गोबर की खाद आपको भूमि में मिलानी चाहिए। तो ऐसा क्या खास होता है गोबर की खाद में, क्यों इतनी मैंडेटरी होती है गोबर की खाद हमारी भूमि के लिए, हमारी फसलों के लिए? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि गोबर की खाद में कौन कौन से पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, फसलों में प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, और उसके साथ साथ इसमें हमारी फसलों पर क्या फायदे देखने को मिलेंगे और हमारी भूमि में क्या फायदे देखने को मिलेंगे। और आज के इस वीडियो में आप कुछ ऐसा भी जानने वाले हैं जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो देखिए, जो गोबर की खाद होती है इसके अंदर जो हमारी फसलों के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, यानी कि हमारी फसलों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो 17 होते हैं, तो वो लगभग सारे के सारे इसके अंदर गोबर की खाद के अंदर मिल जाते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोबर की खाद हमारी फसलों के लिए कितनी जरूरी है। देखिए, गोबर की खाद के अंदर यदि हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करें तो इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 0.5% से लेकर 0.6% तक होती है। यदि हम फास्फोरस की मात्रा की बात करें तो 0.25% से लेकर 0.3% तक फास्फोरस इसमें पाया जाता है। और यदि हम पोटास की बात करें तो इसके अंदर जो पोटास होता है 0.5% से लेकर 0.1% तक इसमें पोटास मिल जाता है। उसके बाद जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक द्वितीयक पोषक तत्व हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, वो भी इसके अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद जो हमारी फसलों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है जैसे कि कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, वो सब भी इसके अंदर गोबर की खाद के अंदर हमारी फसलों के लिए मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारी फसलों के लिए क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे पोषक तत्व हमारी भूमि के लिए मिल जाते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि 1 टन गोबर की खाद में यानी कि 1000 किलोग्राम गोबर की खाद में पोषक तत्वों की मात्रा किलोग्राम में कितनी कितनी होती है, तो आपके सामने जो स्क्रीन पर ये चार्ट है आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब जानते हैं कि हमारी फसलों में गोबर की खाद डालने के क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, फसलों की बात करें तो सबसे पहले जो फायदे होते हैं कि फसलों को जो जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे इससे गोबर की खाद से मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो जिससे जो हमारी फसलों का विकास है, उनकी बढ़वार है, उनकी जो ग्रोथ है, पैदावार है, वो काफ़ी अच्छी होती है और अच्छी हमें पैदावार मिलती है। उसके साथ साथ हमारी फसलों में जो रोग हैं, वो कीट हैं, वो कम लगते हैं क्योंकि जब पौधे को सारे पोषक तत्व तो मिल जाते हैं तो पौधे की जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग रहती है, पौधा स्ट्रांग रहता है, पौधे के जो तने हैं, स्टेम हैं, मजबूत रहते हैं, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, पौधे की जड़ें मजबूत रहती हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जब पौधा स्ट्रांग रहता है तो उसमें कीटों का प्रकोप भी कम हो जाता है और रोगों का अटैक भी कम हो जाता है। तो ये सारे फायदे हमें अपनी फसलों में देखने को मिलते हैं। फसल काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी हरी भरी आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही बेहतर परिणाम आपको अपनी फसलों में देखने को मिलेंगे यदि आप गोबर की खाद किसी भी फसल की बुवाई के समय खेत में डालते हैं। अब जानते हैं कि इसके भूमि पर क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, यदि हम भूमि की बात करें तो यदि हम भूमि में जब गोबर की खाद डालते हैं तो भूमि की जो भौतिक संरचना है वो सुधरती है, जैसे कि भूमि में की जल धारण क्षमता सुधरती है, भूमि जो है हमारी भुरभुरी होती है, भूमि में एरेशन अच्छा होता है जिससे हमारी जड़ों का विकास फसलों की वो अच्छा होता है। उसके साथ साथ भूमि में जो सूक्ष्म लाभदायक जीव होते हैं, लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, लाभदायक फंगस होती है, जो लाभदायक जो हमारे फसलों के लिए मित्र जीव होते हैं उनकी संख्या तेजी से वृद्धि करती है, जो हमारी फसलों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इससे हमारी फसलों का विकास जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से होता है और हमारी फसलों में रोग या कीट भी कम लगते हैं। उसके बाद जो हमारी भूमि की रासायनिक संरचना है वो भी सुधरती है, यानी कि भूमि के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा है
वो बढ़ जाती है या अन्य पोषक तत्वों की मात्रा है वो बढ़ जाती है। भूमि के अंदर जो हमारे फास्फोरस या पोटाश जो अघुलनशील अवस्था में पड़ी रहती है वो घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिससे वो हमारे पौधों को आसानी से मिल पाती है। उसके साथ साथ जो भूमि का पीएच है वो भी अच्छा रहता है, यानी कि पीएच भी मेंटेन होता है। जैसे कि हमारे पौधों के लिए जो 6 से 7 तक का जो पीएच होता है भूमि का, वो हमारे फसलों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये भूमि के जो पीएच मान को भी मेंटेन करने में काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये सारे फायदे आपको देखने को मिलते हैं जब गोबर की खाद आप भूमि में देते हैं। देखिए, गोबर की खाद को भूमि में डालने से क्या होता है कि भूमि के अंदर जो लाभदायक फंगस है वो तेजी से वृद्धि करती है, तेजी से ग्रोथ करती है। जैसे कि जो ट्राइकोडर्मा फंगस होती है, हम क्या करते हैं अभी ट्राइकोडर्मा फंगस को अलग से देते हैं, वैसे ये जो ट्राइकोडर्मा फंगस होती है वो नेचुरल रूप से भी भूमि में पाई जाती है। जब हम गोबर की खाद डालते हैं तो वो तेजी से डेवलप करती है। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे खेतों में कार्बन की कमी है, गोबर की खाद की कमी है, तो उनकी कमी के कारण भूमि में क्या होता है, जो ये ट्राइकोडर्मा फंगस है डेवलप नहीं कर पाती है, ये जो अपने आप ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसको जो एनवायरनमेंट चाहिए हमारी भूमि के अंदर वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब हम गोबर की खाद डालते हैं तो क्या होता है, जो लाभदायक फंगस है जैसे ट्राइकोडर्मा वो तेजी से ग्रोथ करती है और जो हानिकारक फंगस है उनको आने से रोक देती है। तो इससे हमारी जो भूमि है वो अच्छी रहती है, हमारी फसलों में रोग व कीट कम आते हैं। फसलों पर जो कीटनाशकों का खर्चा है, फफूंदी नाशकों का खर्चा है, वो किसानों का कम हो जाएगा। उसके साथ साथ देखिए, अभी क्या हो रहा है कि हम अपनी खेतों में यूरिया डीएपी की अंधाधुंध मात्रा डाल रहे हैं, उसके बाद भी उनका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि भूमि के अंदर कार्बन की कमी है। जब हम गोबर की खाद डालते हैं तो कार्बन की मात्रा हमारी भूमि के अंदर बढ़ती है। अब जब आप जितना पहले खाद डाल रहे थे उतना भी यदि नहीं डालेंगे, उससे आधा खाद भी डालेंगे, तो भी आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो आप खाद डालेंगे वो पूरे के पूरा डिकम्पोज होके, यानी कि वो घुल करके हमारे पौधों के, उसके जो पोषक तत्व हैं हमारे पौधों को मिल पाएंगे, जब हमारी भूमि में कार्बन की मात्रा उचित होगी, कार्बन पर्याप्त मात्रा में होगा तब। देखिए, यदि हम आज से कुछ वर्षों पहले चले जाएं, यानी कि हम उस समय चले जाएं जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उससे पहले हम क्या करते थे, केवल ऑर्गेनिक खेती करते, हम गोबर की खाद वगैरह ही अपनी फसलों में या खेतों में डालते थे। उससे क्या होता था कि हमारे भूमि में जो कार्बन की मात्रा थी वो पर्याप्त थी, बहुत अच्छी मात्रा थी उस समय पर। उसके बाद जैसे ही जो हमारे खाद आए, नाइट्रोजन खाद आए, डीएपी आए, जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो हम थोड़ा सा भी रासायनिक खाद अपनी भूमि में डालते थे तो उसका जो रिजल्ट थे बहुत अच्छे हमें देखने को मिलते थे हमारी फसलों पे, क्योंकि जो कार्बन की मात्रा थी वो पहले से अच्छी थी। हम थोड़ा भी खाद दिया तो उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता था। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया है, गोबर की खाद को डालना या कार्बनिक खादों को डालना बंद कर दिया है, जिससे कार्बन की जो मात्रा है वो भूमि के अंदर लगातार उसका स्तर कम होता चला गया है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा खाद भी डालते हैं, रासायनिक खाद भी डालते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स आपको उतना बेहतर नहीं मिलता है। जो पहले थोड़ा डालने पर जितनी अच्छी उपज मिलती थी, अब ज़्यादा डालने पर भी रासायनिक खाद या जैसे यूरिया या डीएपी आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो देखिए, आपको पहले जैसे परिणाम यदि आपको चाहिए कि कम खाद डालकर भी हम एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें उनका मिले, तो हमें भूमि के अंदर जो कार्बन की मात्रा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे पॉसिबल है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जब गोबर की खाद डालेंगे तो भूमि में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। अब उसके बाद आप थोड़ा भी खाद डालेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आपको अपनी फसलों में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, जिससे आपकी फसल थोड़े खाद में भी बहुत बेहतर होगी। इसको डालने का तरीका क्या है, आप जब भी किसी की भी फसल की बुवाई करें, यदि आपके पास अवेलेबल है, तो बुवाई से पहले प्रति एकड़ 8 से 10 टन गोबर की खाद डाल दें अपनी फसलों में। 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम, तो आपको 8 से 10 टन डाल देनी चाहिए 1 एकड़ में, 1 एकड़ खेत में, 1 एकड़ की फसल में, और अच्छे से भूमि में मिला करके उसके बाद आप किसी भी फसल की बुवाई कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है, आप इस तरीके से यदि करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इसके परिणाम मिलेंगे, बहुत ही अच्छे आप रिजल्ट देखेंगे अपनी फसलों में। यदि देखिए आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप 1 साल में या 2 साल में तो कम से कम एक बार आपको गोबर की खाद अपने खेतों में डालना ही चाहिए।
इससे भी आप काफी अच्छे परिणाम ले सकते हैं। तो यही थी आज की जानकारी किसान भाइयों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।